हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपने स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी मैथ की एक्सरसाइज 5.5 कराई थी, यूजिंग द प्रॉपर्टीज का यूज करके मल्टीप्लाई बताए थे। आई होप आपको वो समझ से समझ में आ गए होंगे। आज मैं आपको 5.6 करा रही हूँ जो मल्टीप्लाई की है। तो ध्यान से सारे बच्चे इस वीडियो को देखना, हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है। बेटा मैंने पहले आपको करा चुकी हूँ जब हमने वीडियो आपको लास्ट टाइम भेजी थी, बट अब हम दोबारा से आपको रिपीट करा रहे हैं। किसी रीजन वंस किसी बच्चे ने नहीं देखी तो वो आप इस वीडियो को देखकर सम्स को समझ सकते हैं, और जिन्होंने देख ली बेटा वो भी दोबारा जो हम रिपीट करा रहे हैं उसको आप वीडियो को देखकर अपने सम अच्छे से और भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी बुक है वो ओपन कर लीजिए। फर्स्ट सम है हमारा 58 को हमें 32 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5.3 में आई थिंक वन डिजिट की जो मल्टीप्लाई थी वो बताई थी। आज हमारी टू डिजिट की मल्टीप्लाई है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान से देखना बच्चों ये वीडियो, ठीक है? और टेबल तो आप सबको आती होगी, तो टू की टेबल हम 8 टाइम रीड करते हैं। तो 2 8 16, तो 16 का बेटा 6 हमारा यहाँ आ जाएगा और 1 हमारा यहाँ पर का राइट हो जाएगा, ऊपर कैरी चली जाएगी। तो 2 की टेबल हमने 5 टाइम काउंट करी, तो 2 5 10 10 है, और जो ऊपर 1 कैरी लगी है उसको हमने यहाँ पर प्लस कर लिया तो क्या हो गया बेटा 11। तो 11 हमने यहाँ राइट कर दी। ओके बच्चों आप देखो 2 डिजिट की है, पहले तो हमने 8 डिजिट की यहीं से ही कर लेते थे, बट अब हम जो दूसरी टेबल है उसको हम काउंट करेंगे। तो काउंट करने से पहले हम जो हमारा वंस वाला इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाली डिजिट है, इसके नीचे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। ओके बच्चों अब 3 की टेबल तो आती होगी, 3 8 24 का 4 यहाँ पर आएगा बेटा, और 2 जो है वो हमारी ऊपर कैरी चली जाएगी। अब 3 की टेबल 5 टाइम हमने काउंट करी, 3 5 15, और ऊपर बेटा जो 2 कैरी है 15 में हमने 2 कैरी प्लस कर ली तो कितना आया 17। ओके बच्चों ये हमारी जो हमारा टेबल है जो हमने काउंट कर ली वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तीन दोनों को, इसको भी और इसको भी हम दोनों को प्लस करेंगे। 6 के नीचे मल्टीप्लाई है तो 6 एजिटीज ऐसे ही आ जाएगा। 1 और 4 को हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो 1 और 4 कितना होगा बेटा, प्लस को आता होगा, फर्स्ट से ही आप करते आ रहे हो, 1 और 4 होगा बेटा 5। 1 और 7 कितना होगा 8। 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसको हम या तो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है बेटा? अगर हम 0 को 1 से हमने प्लस किया तो 1 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये हमारा मल्टीप्लाई का सम था। एक और करा देती हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। अब है हमारा डी 93 को हमें बेटा 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आप क्या करेंगे बेटा, 5 को हम 3 टाइम रीड करेंगे तो कितना आएगा 15। 15 का 5 हमारा यहाँ पर आएगा और 1 ऊपर हमारी कैरी राइट हो जाएगी। 5 टाइम जा 45 में हमने 1 प्लस किया तो क्या हो गया 46, ठीक है? एक टेबल की डिजिट से हमने काउंट कर ली, अब दूसरी टेबल को हमें काउंट करना है तो इसके नीचे हम मल्टीप्लाई का निशान है जो वो लगाएंगे। फिर 2 3 6 के आगे 2 3 6 है तो कोई कैरी नहीं है। अब 2 8 9 18, ठीक है बेटा ये हमारा हो गया।
अब हम इनको क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। एक बात याद रखना, प्लस हम इधर साइड से नहीं करेंगे, हम इधर साइड से अपनी प्लस करेंगे, ना कि हम कभी इधर से हम लग जाए, ठीक है बेटा। तो प्लस करेंगे तो बेटा 5 को हमने मल्टीप्लाई है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 5 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो 6 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं, तो ये हमारा 12 आ गया। ओके बच्चों, अब 12 का हमारा ये 2 यहाँ आया और 1 ऊपर, हम यहाँ पर कैरी लगाएंगे, ना कि हम 1 वहाँ पर कैरी लगाएंगे, इसी के ऊपर कैरी आएंगे, तो हम इसी के ऊपर राइट करेंगे ना बच्चों। अब देखो 4 और 8 कितने होते हैं बताओ, प्लस तो कर आती है ना, 4 और 8 कितने होते हैं, टेल मी स्टूडेंट्स, 4 और 8 होते हैं बेटा, हमने इसको इससे प्लस किया तो हमारा 12 आया, तो 12 तो हमारा आ गया, और ऊपर जो 1 कैरी है उसको भी हमने इसमें प्लस कर लिया, तो कितना आया 13 का 3 यहाँ पर आ गया, और ऊपर हमारी जो ये कैरी है यहाँ पर राइट हो गई। अब देखो 1 के ऊपर कुछ नहीं है बट एक कैरी है, 1 और 1 कितने होंगे 2, कुछ भी नहीं है, हमने कैरी को इसमें प्लस किया तो कितना हो गया 2। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। बेटा एक और कर लेते हैं जिससे आपकी जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल ही, जो सम क्लियर, आपका कोई भी डाउट हो वो आसानी से समझ में और आ सके। तो 24 है बेटा, हमें इसको ठीक है 65 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 के टेबल 4 टाइम हम काउंट करेंगे, तो 5 4 20 का 0 यहाँ पर और 2 हमारी ऊपर कैरी राइट हो जाएगी। ओके बच्चों, 5 2 10 है और 2 हमारी जो कैरी है, 10 में हमने 2 प्लस किए तो क्या हुआ 112। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, अब 1 5 की टेबल तो हमने रीड कर ली, अब 6 की टेबल ही इसी डिजिट से हम रीड करेंगे। 6 4 जा बताओ, 6 4 जा 24 का 4 यहाँ पर आया, 2 पर हमारी यहाँ पर कैरी आ गई। 6 2 जा 12 है और 12 में हमने 2 प्लस किए तो कितना आया, 12 में बेटा देखो हमने 2 प्लस किए तो कितना आया 14 हमारा एजिटीज यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब प्लस करेंगे, प्लस हम इस साइड से ना करके इस साइड से करते हैं, इसके नीचे मल्टीप्लाई का निशान है तो 0 हमारी ऐसे ही आ जाएगी। 2 और 4 कितने होते बेटा बताओ, टेल मी स्टूडेंट्स, 2 और 4 होते हैं 6, 1 और 4 बताओ बच्चों, 1 और 4 कितने होते हैं 5, वेरी गुड। अब 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 जो है हमारा एज इट इज आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप मैंने आपको मल्टीप्लाई के 2 डिजिट के सम कराए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज फिर भी बेटा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।